three, four. Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel. So welcome to another vlog. So Eid Mubarak to everyone out there and also happy Akshay Tritiya. So आज का vlog is more like आज हमें gold shopping के लिए जाना है and then packing करना है like final packing क्योंकि day after tomorrow early morning हमें निकलना है to fly. So that is the thing guys, if you are interested in vlogs and fashion content then please keep on watching. For breakfast ये मेरा bread है, ये mama का bread है, normal bread butter brown bread and यहाँ है bonvita. आप देखो यहाँ के milk में कितना घी है कि पूरा घी हो रखा है. तो anyways breakfast कर लेते हैं, सिंपल सा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खाने का मन भी नहीं है. सॉरी फॉर द नॉइज़ क्योंकि वॉशिंग मशीन में स्पिन हो रहा है. तो दैट इज़ द थिंग, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि क्या क्या करना है. और एक कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम इसको अरेंज करेंगे बट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी इसको अरेंज करना बिकॉज आई एम मेकिंग डेडिकेटेड वीडियो ऑन व्हाट्स इन माय बैग. तो इसके लिए इसको रख देंगे अभी इसमें. तो इसके अंदर मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर और मेकअप ब्रशेस रख लिए, मुझे इतने ही चाहिए वहाँ पे, इनफैक्ट इससे कम ही चाहिए होगा. ये सबको हम लोग ये वाले मेकअप पाउच में डालेंगे. और कौन कौन से आई शेडो पैलेट लेके जाऊंगी वो सब भी मैं आपको दिखा दूंगी. तो पहले लेट मी गैदर ऑल ऑफ द सामान एक जगह पे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या अरेंज कर रही हूँ और किस में लेके जाना है सब कुछ मैं आपको उसके बाद दिखाती हूँ. हाँ गाइज, तो मम्मी को बता रही थी हम लोग के अपार्टमेंट में जो आंटी आती है ना, मतलब ऐसे ही मेड आती है, हम लोग घर में नहीं है बट सोसाइटी में वो क्लीन करती है अपार्टमेंट. तो उसको मम्मी बता रही थी कि हम लोग 10 डेज नहीं रहेंगे तो तुम पानी डालना पौधों पे प्लांट्स है ना. तो फिर वो सोच रही क्या बोल रही है, तो फिर मैंने बोला कि ऐसा, तो फिर वो बोल रही है कि आप तुम सिखाओ उसको, आप तुमको आता है कन्नड़ा बोलना. मैं बोली नहीं नहीं मुझे आता नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ लाइक कुछ कुछ वर्ड्स मुझे आता है. अच्छा तो तुम सिखाओ अपनी मम्मी को, ऐसा बोल रही है वो. ये लोग संस्कृत वर्ड्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक मेनली जैसे आपने सुना मैं बोल रही थी दिवस फिर नीर नमस्कारम ये सब वो लोग मतलब ऐसे ही संस्कृत वर्ड्स होता है. और ये वाली लिपस्टिक जो थी माई ग्लैम की ये भी मैं दे दूंगी. और मैंने रखा है इनसाइड का प्राइमर, सुपरस्टे का फाउंडेशन जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सुपरस्टे तो लगा पाऊंगी. ये माई ग्लैम का जो फाउंडेशन है ये ही मैं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत स्किन लाइक है ना, तो ये अच्छा लगेगा. और ये एक स्मिटन से मैंने लिया था, दिस इज़ अ मिनरल बेस्ड मैट सनस्क्रीन विच हैज़ अ प्राइमर प्लस मिनरल सनस्क्रीन प्लस शियर टिन. बहुत छोटू सा टब है ये और उसमें इतना ही है, मैं एक बार भी इसे यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो ये इतना ही आया. मैं इसको रखी हुई थी कि मैं इसको यूज़ करूँगी अभी. SPF 35 प्लस और PA++++ है और 3 ग्राम्स है, बस 3 ग्राम्स. सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड हर कोई, हाँ पता नहीं है कोई का ब्रांड है, मैंने इसको स्मिटन से लिया था. और ये हाईलाइटर ले लूँगी विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड. ये दो छोटे छोटे आई शेडो पैलेट हैं सारे के, नहीं सारे शिमर शेड्स को नहीं है बट मोस्टली सारे शिमर शेड्स हैं एंड हाईलाइटिंग शेड भी है. तो मैं ये मेनली ले रही हूँ इस वाले शेड और ये येलो वाले शेड के लिए क्योंकि हल्दी वाले दिन को मुझे
करना है अपना आई लुक, वरना फिर मुझे बड़ा वाला मुझे ये ब्यूटी ग्लेस का पैलेट लेना पड़ेगा। तो इसमें तो सारे ही शेड्स हैं, बट मैं इतना बड़ा पैलेट लेना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अगर टूट गया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। एनीवेज, ये और फिर ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, मस्कारा और ये आईलैश कलर। मैंने ये नया नया डिस्कवर किया है कि इफ़ यू कर्ल योर लैशेज एंड देन पुट मस्कारा, लाइक वो वाव ही हो जाएगा, ठीक है। और आईलाइनर भी लिया है, बट मुझे ब्लू आईलाइनर चाहिए, तो वो मैं वहाँ जाती हूँ। और लिया है ईयरबड्स, बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी, तो ईयरबड्स भी लिया है, क्योंकि जब काजल स्मज होता है ना तो ऐसे घिस देते हैं, उससे रिंकल्स आ जाते हैं। तो मैं करती हूँ अभी भी, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, तो ये बट रहेगा सामने तो मैं इसी से करूँगी। रबर बैंड्स बहुत सारे, इतने सारे तो नहीं लेके जाऊँगी, ये साइड वाले पाउच में थोड़े से रखूँगी। और ये मेरे पास कुछ ये फिटमी के कुछ मेरे पास ये सैशे वाले फाउंडेशन थे, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए मैं रख लूँगी। भाई कहाँ इतना भाई ना कहाँ, तो इसे मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेबलिन का जो फिटमी फाउंडेशन है वो इतना नेचुरल लुकिंग है ना। और फिर थोड़े से बॉबी पिन, दैट्स इट। और मेकअप में कुछ भी नहीं रख रही हूँ, बस एक पाउडर रखूँगी, वो मम्मा और मेरा सेम फाउंडेशन होगा, फाउंडेशन नहीं पाउडर, ये सबको रख लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा पैलेट ले लूँ, मैं दोनों ही रख लेती हूँ, क्या पता अंदर और टेंशन। इवनिंग टाइम 7 बज के बहुत देर हो चुका है, 7:30 बज गया। आई एम रनिंग वेरी वेरी लेट, यू कैन क्लियरली सी, क्योंकि हमें जाना है गोल्ड के शॉप पे, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, आपको पता है, मैंने पहले ही आपको विश किया, तो उसके लिए मम्मी बाहर चली गई। आप समझ रहे हो मैं कितनी लेट हो रही हूँ, मम्मी लेट कर दी, बट मैं लेट करी, सो अभी चलो ऑन द वे में मैं दिखाती हूँ आपको, चलो फटाफट फिर मैं आके आपसे बात करती हूँ। चलो चलो चलो, लेट हो गया है बहुत। सो गाइज, वी आर बैक होम एंड आपने देखा कि हम लोग ने क्या क्या शॉपिंग करी। सो अभी मुझे इतना भूख लगा है, इतना मम्मा को भी बहुत भूख लगा, क्योंकि हम लोग लंच किए उसके बाद से हम लोग कुछ भी नहीं खाए। सो आई गॉट दिस पैक ऑफ हक्का नूडल्स, यहाँ पे लिखा है वेज हक्का नूडल्स, जैसे कि इसमें कुछ होगा। एनी वेज, तो दिस इज हक्का नूडल्स, अभी इसको बनाना है। ऐसे तो मैं नॉर्मली जैसे चाउमिन नूडल्स मिलते हैं बाहर, वैसे ही बनाऊँगी इसको, क्योंकि बहुत भूख लगा है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो सब मैं दिखा नहीं रही हूँ कि कैसे बनाई है एंड क्या नहीं। सो देखती हूँ, थोड़ा बहुत अगर मन किया तो बना दूँगी, थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूँगी कैसे कैसे मैं बनाती हूँ जनरली इसको। सो या मैं आधा तो भीग चुकी हूँ नीचे से, क्योंकि ऑटो में पानी आ रहा था इधर उधर से, तो अभी लोअर चेंज कर लेते हैं एंड देन हम बनाएंगे नूडल्स एंड देन फटाफट खाएंगे, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली भूख लगी। सो चलो, आई विल बी बैक आफ्टर चेंजिंग। नहीं नहीं, अभी तो ऊपर से तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे पोटैटो फ्राई होने के रख दिया है, और जब भी मैं चाउमिन बनाती हूँ मैं ऐसे वाले कढ़ाई में बनाती हूँ, सो दैट कि वो स्मोकी वाला फ्लेवर है। एंड यहाँ पर मैं बॉइल करके रख दिया है। Thank you.
सो गाइज दिस इज हाउ आवर डिनर लुक्स लाइक सो सैटिस्फाइंग एंड सो टेम्पटिंग. सो गाइज इतना देर वेट करने के बाद आई थैंक्स टू मी कि मैंने इतना अच्छा डिनर बनाया एंड अब हम अच्छे से खाएंगे. सो या गाइज इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू एवरीथिंग यू कैन. सी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन बाय.